दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप राउंड लगाते हैं, रनिंग करते हैं तो चेस्ट गिरता है, और चेस्ट गिरने पर अगर आप वहाँ पर चेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो फेल होता है, पास पास होता है। तो आपको फेल नहीं होना है। चेस्ट कैसे क्या नफाना है, कैसे इसकी तैयारी करना है, क्या क्या ध्यान रखना है रनिंग के बाद, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है, कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा, कुछ डाइट भी बताऊंगा कि आपका चेस्ट कैसे मेंटेन रह सकता है। 76 रख जा रहे ओए 76 बुला ये ना पीछे गिरेगा, ऐसे चेस्ट हमारे पीछे गिरा, अरे फुलाने का बोल रहा हूँ, गिराने का बोल रहा हूँ, काम कर। अगर आप दौड़ रहे हैं 8 दिन दौड़िए, चेस्ट आपका पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। तो चेस्ट की जरूरत इंडियन आर्मी में पड़ती है, क्योंकि मर्दों को ही लिया जाता है इंडियन आर्मी में, है ना। 70-75 वाले चेस्ट वाले को तो बिल्कुल नहीं लिया जाता है। तो तुम्हारा तो नहीं है ना? नहीं सर। चेस्ट नपाने के लिए तैयार हो? यस सर। तो भारत माता की जय। जो बर्फ रहता है ना, रहता नहीं रहता है? Yes, sir! उसकी बर्फ पिघला देता है हमारा फौजी। Yes, sir! क्या पिघला देता है? Yes, उसकी आवाज से। तो इतनी आवाज आना चाहिए क्या? Yes, sir! भारत तो माता की गूंज इस सीमा पर हमारे फौजी भाई डटे रहते हैं। उस पर जो दूसरे देश की सीमा हमें टच करती है, उनके जहन में बस यही डर रहना चाहिए कि ये बंदे, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने वाला युवा जो अपनी आवाज से बर्फ पिघला सकता है, अगर हमसे सामना हो गया तो क्या कर सकता है। जोरदार तालियां एक बार इसमें। शेर की धार की तरह होना चाहिए। यस सर। अरे यस सर या नो सर? यस सर। बोलो भारत माता की जय। कमांडो बनोगे? यस सर। कमांडो बनोगे? यस सर। यहाँ मैं बनाऊंगा, चूंकि अभी आपको 2 दिन बाद मिलाने वाला हूँ मैं पेरा एसएफ के कमांडो से, जो कि फोर्स एकेडमी बना है। जल्दी आपसे मिलवाऊंगा पेरा एसएफ के कमांडो के लिए। जोरदार तालियां। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो चेस्ट को लेकर है। मेरे हाथ में है टेप, जो कि मेजरमेंट करने वाली है आपके सीने का, और सीने का मेजरमेंट इंडियन आर्मी में कैसे होने वाला है आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये सारे बच्चे हमारे यहाँ पर काफी टाइम से दौड़ रहे हैं, सिर्फ दौड़ नहीं रहे,
तैयारी कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से। शेड्यूल से कर रहे हो ना तैयारी? यस सर। शेड्यूल वाइज तैयारी कर रहे हैं, 20 राउंड सुबह और 20 राउंड शाम को? यस सर। ऐसा नहीं है। तो ये शेड्यूल के साथ वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट के साथ में इनके चेस्ट को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मर्दों की जगह है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे। और सीने के लिए आपको जो ध्यान रखना है वो एक बात ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है? ओ, खड़ा हो जा दिलफास, निकाल जल्दी कपड़े। देखो, अरे भयंकर हो रहा है, तो इधर आ जा। देखा तुमने हमारा कमांडो? लगी तो नहीं? लगी क्या इसको? लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं बिस्किट वाले एप्स आ रहे हैं, देखो बेहतरीन वाले एप्स है। कितने दिन से तैयारी कर रहा? चार महीने। खूब दौड़ रहा, फिर चेस्ट कम क्यों नहीं हो रहा? मेहनत करते हैं, चेस्ट का मेहनत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका और आपको जो समझाने का तरीका है वो ये है कि जब आप इंडियन आर्मी का चेस्ट मेजरमेंट करवाएंगे तो आपके कपड़े आपके शरीर पर नहीं रहेंगे, ठीक है? यस सर। तो आपके अभी नहीं रहना चाहिए, जल्दी से एक मिनट के अंदर कपड़े बाहर निकालो जल्दी। तो पहली चीज क्या ध्यान रखना है, देखो अगर आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में रनिंग पास कर लेते हैं तो आपका चेस्ट कैसे क्या मेजरमेंट होगा? अगर आपने सही तरीके से मेजरमेंट करवाया तो आपकी पिटाई नहीं होगी, पहली चीज। अगर आपने तरीके ध्यान रखे तो आपको फेल नहीं किया जाएगा। दो बात, पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन पॉइंट, जब आप चेस्ट नपवाते हैं तो ये जो शोल्डर है ना आपके, ये ऐसे अप नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस सर। जब आप ब्रीथिंग, आपका चेस्ट जब लग जाता है तो सांसें खींचना चाहिए। कैसे खींचेगा? ऐसे आपको सांसें खींचना है, ठीक है? इधर टर्न हो जाओ, पीछे से भी देख लो, जब बंदा चेस्ट नपाता है तो सांसें फूलने का जब आता है नंबर, आपको जब फुलाने का बोलेगा वो, मैं अभी चेस्ट नपाऊंगा, अगर किसी ने भी गलत तरीके से फुलाया चेस्ट तो सामत है उस बंदे की, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम फेल हो यहां पर। कैसे बुलाना होता है एक बार और फुला बता। ऐसे अप करना रहता है, शोल्डर आपके डाउन रहेंगे, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, क्या करके बता, अरे ऐसे करते हैं ना बहादुर वाले। हाँ, ये नहीं करना ये नहीं करना है। अगर ऐसा किया कि तुम्हारे चेस्ट पे एक हाथ आके पड़ेगा, फौजी भाई का हो सकता है वो हाथ, किसका आके पड़ेगा? शेर का आके पड़ेगा यहाँ पर, और वो पंजा बन जाएगा तुम्हारे सीने पर, ठीक है? यस सर। तो ऐसे शेरों के पंजे खाने के लिए शेरों की ही जरूरत है, तो तैयार हो शेर बनने के लिए? यस सर। तो ये सब तैयार है, आपको मैं इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप राउंड लगाते हैं, रनिंग करते हैं तो चेस्ट गिरता है, और चेस्ट गिरने पर अगर आप वहां पर चेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो फेल होता है, पास होता है। तो आपको फेल नहीं होना है, चेस्ट कैसे क्या नफाना है, कैसे इसकी तैयारी करना है, क्या क्या ध्यान रखना है रनिंग के बाद, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है, कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा, कुछ डाइट भी बताऊंगा कि आपका चेस्ट कैसे मेंटेन रह सकता है। तो आपको सबसे पहले जब चेस्ट नपता है तो आपके हाथ यहाँ रहेंगे, पहली बात, ठीक है? यस सर। हाथ यहाँ पर, जैसे ही आपकी टेप लगाता है तो टेप लगती है आपके यहाँ पर, नीचे कर ले हाथ। अब नीचे की तरफ नहीं देखना है आप लोगों को, नीचे टेप की तरफ नजर नहीं रखना है, आपकी नजरें कहाँ रहेगी? सामने की तरफ। कहाँ रहेगी? सामने की तरफ रहेगी। और जैसे ही आपसे बोलता है 78 चेस्ट खुला, 85 जोरदार तालियां, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है ताकि आप चेस्ट के अंदर फेल नहीं हो। चलिए और बच्चों का चेस्ट नापते हैं कि आखिर कितना क्या बच्चों का चेस्ट है और इनके लिए क्या क्या तैयारी करते हैं बच्चे। चल खड़ा हो जा, हाथ ऐसे कर ले, ये लास्ट बार समझा रहा हूं, जब मैं टेप लगाऊंगा तो हाथ आपके कैसे रहना, फ्लाइंग पोजिशन पे, वाइड एक्सरसाइज है ना, क्रिकेट देखते हो ना सभी? यस सर। एम्पायर का इशारा, वाइड। हाँ, तो ऐसे वाइड ही रखना हाथों को,
जैसे ही हाथ टेप आपके चेस्ट पे लगती है, सामने की तरफ नजर रखना, हाथ डाउन, हाथों को नीचे कर ले, 81 फुला, 87 पास, उधर 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 खड़ा हो जा। देखो तुम्हारी ताली तुम्हारा किस्मत बदल सकती है, तुम्हारे ताली बजाने से तुम्हारे हाथों की लकीर बदल सकती है। सेवेंटी नाइन फुलाओ, 85 पास, जल्दी दौड़ लगा दे, दौड़ नीचे कर ले, सामने देख, 79 फुलाओ, सामने देख, 86 पास, ताली रहने ही दो, जब इतनी बजा रहे हो तो इतना भी क्यों कष्ट करते हो। 76 फुलाओ, 84 पास, फुलाओ, 84 पास। अब कौन आया है? पप्पू भैया, पप्पू टीए, विचार कर ले, 78 फुलाओ। देखो कितनी भर्ती निकाल चुका है, अब टीए में नंबर आ गया ना, उम्र निकल गई इसलिए, तो ये हाथ पीछे क्यों ले जा रहा है? मार और ज्यादा खाने की इच्छा है क्या वहां पर? नॉर्मल रहे, गिनती बोलना स्टार्ट कर, 1 2 3 ऐसा बोलते हैं गिनती, तेज बोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों इसका एक नारा है, हमारी तो फौजी जिंदगी है यारो, एक बार तेज बोल के बता दे, अपनी तो फौजी जिंदगी है यारो। तुम्हें सुनाई दिया क्या? बोल पहले, अपनी तो फौजी जिंदगी है यारो, अंत किसी सरहद पर होगा, चिता बारूद से जलेगी, कफन तिरंगे का होगा। 78 फुला, 88। देखो जुनून तो हर किसी को आर्मी जाने का, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने का, पर अगर इसे यूनिफॉर्म पहना दी तो ऐसा लगेगा खूंटी पे टांग दियो यूनिफॉर्म। अगर इसके माता पिता वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इसकी खिलाई पिलाई बढ़ाइए, क्योंकि ये यहाँ पर दौड़ेगा तो और चेस्ट कम जाएगा। देखिए इसका चेस्ट है मात्र 72 सेंटीमीटर, और 72 सेंटीमीटर में इसको टाइम लगेगा, इसलिए तू ही बता देना भैया तेरे माता पिता को, है ना, कि थोड़ी सी खिलाई पिलाई बढ़ाए तेरी, वरना सपना चकनाचूर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये रनिंग करके गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेस्ट नहीं बनाया जा सकता है, चेस्ट बनाया जा सकता है डाइट के साथ में, अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो। मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज और डाइट भी। अरे ना रे, आप देखो डिजाइन डाल रहा है नपोने में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, इसके में तिनका तो नहीं है, लेकिन ये छोरा गलत कर रहा है। तो 80 इसका चेस्ट आ रहा है, देखिए फुलाब, देखो फुलाया इसने। मैंने क्या बोला था कि शोल्डर अप नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल में फुला, गुड, यही रखना है, 80 to 85। ये हाथ ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और ये बाल कटवा लेना टाइम से, चल।